हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रेजी ट्रॉनिक्स। आज की इस वीडियो में हम आर्डुइनो के साथ में अल्ट्रासोनिक सेंसर और एलईडी को इंटरफेस करेंगे और एलईडी की हेल्प से हम डिस्टेंस को इंडिकेट करेंगे। इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं जब अपने हाथ को अल्ट्रासोनिक सेंसर के पास लेकर जाता हूँ तब 1x1 एलईडी ऑन होती है, और जब मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर से अपने हाथ को दूर लेकर जाता हूँ तब 1x1 एलईडी ऑफ होती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेडबोर्ड, आर्डुइनो यूनो, अल्ट्रासोनिक सेंसर, एलईडी और रेजिस्टर, जिनकी वैल्यू है 150 ओम। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट का सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से रहेगा। हम इसी सर्किट डायग्राम के हिसाब से कनेक्शन बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कनेक्शन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ब्रेडबोर्ड लूँगा और ब्रेडबोर्ड पर मैं इस तरह से एलईडी को कनेक्ट कर दूँगा। अब इसके बाद मैं इन एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक एक रजिस्टर लगा दूंगा। अब इसके बाद मैं आर्डुइनो लूंगा और जंपर केबल की हेल्प से इन रजिस्टर के सेकंड टर्मिनल को आर्डुइनो की पिन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 से कनेक्ट कर दूंगा, और इसके बाद मैं आर्डुइनो की ग्राउंड पिन को एलईडी के ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर दूंगा। अब मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर लूंगा और अल्ट्रासोनिक सेंसर की ग्राउंड पिन को आर्डुइनो की ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर दूंगा, और इसके बाद मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर की इको पिन को आर्डुइनो की पिन नंबर 3 से कनेक्ट करूंगा, और इसके बाद मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर की ट्रिगर पिन को आर्डुइनो की पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर दूंगा, और इसी तरह से अल्ट्रासोनिक सेंसर की वीसीसी पिन को आर्डुइनो की 5 वोल्ट की पिन से कनेक्ट कर दूंगा। फ्रेंड्स, हमारा सर्किट कनेक्शन पूरा हो चुका है। अब बारी आती है प्रोग्रामिंग की। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट के कोड को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इस कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हमने सबसे पहले पिन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 को आउटपुट डिक्लेयर किए हैं, और इन 5 पिन से हमने एलईडी को कनेक्ट किए हैं। और इस प्रोग्राम का जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इसमें हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर की हेल्प से डिस्टेंस को कैलकुलेट किए हैं, और डिस्टेंस को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है इसे मैं आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और अगर आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाने के बाद में हमने प्रोग्राम में इफ स्टेटमेंट लगाए हैं, और इफ स्टेटमेंट में हमने डिस्टेंस वेरिएबल लिखे हैं, और अगर इस डिस्टेंस की वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी और 10 से छोटी रहेगी तब आर्डुइनो की पिन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 इन टोटल 5 पिन पर हाई आउटपुट जाएगा, जिससे कि इन टोटल 5 पिन से जितने भी एलईडी कनेक्ट है वो ऑन हो जाएंगे। और अगर इसी तरह से डिस्टेंस की वैल्यू 10 से बड़ी रहेगी और 15 से छोटी रहेगी तब आर्डुइनो की पिन नंबर 4, 5, 6, 7 इन टोटल 4 पिन से जो एलईडी कनेक्ट है वो ऑन हो जाएंगे, और पिन नंबर 8 से जो एलईडी कनेक्ट है वो ऑफ रहेगा। और अगर इसी तरह से डिस्टेंस की वैल्यू 15 से बड़ी रही और 20 से छोटी रही तब आर्डुइनो की पिन नंबर 4, 5, 6 इन टोटल 3 पिन से जो एलईडी कनेक्ट है वो एलईडी ऑन हो जाएंगे, और पिन नंबर 7 और 8 से जो एलईडी कनेक्ट है वो ऑफ रहेंगे। और अगर इसी तरह से डिस्टेंस की वैल्यू 20 से 25 के बीच है तब सिर्फ पिन नंबर 4 और 5 के एलईडी ऑन रहेंगे, और अगर इसी तरह से डिस्टेंस की वैल्यू 25 से 30 के बीच है तब सिर्फ पिन नंबर 4 से जो एलईडी कनेक्ट है वो ऑन रहेगा और बाकी पिन के एलईडी ऑफ रहेंगे। और अगर इसी तरह से डिस्टेंस की वैल्यू 30 से ज़्यादा है तब सभी पिन के एलईडी ऑफ रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये इस प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन है। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अब मैं इस प्रोग्राम को आर्डुइनो में अपलोड कर लूँगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं जब अपने हाथ को जैसे जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर के पास लेकर आता हूँ तब एलईडी 1x1 ऑन होते हैं, और जब मैं अपने हाथ को अल्ट्रासोनिक सेंसर से दूर लेकर जाता हूँ तब एलईडी 1x1 ऑफ होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस प्रोग्राम में डिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके अपने हिसाब से इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आप इस प्रोजेक्ट को ट्राई करेंगे। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप इसी तरह से आर्डुइनो के इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।